हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एक के अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, मैं अल्तमश खान लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। इससे पहले हम वीडियो को देखें, हमारे यूट्यूब चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि हम जो भी वीडियो भेजें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर में कुछ कंपनीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आते हैं कंपनी अमेज़न। अमेज़न की शुरुआत 5 जुलाई 1994 में जेफ वोस के द्वारा की गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, 1994 में जेफ वोस नाम के एक पर्सन के द्वारा अमेज़न की खोज की गई थी। जेफ वोस अपनी कंपनी का नाम काडोब्रा रखना चाहते थे, बट इनके जो साथी संगठन थे उन्होंने इस बात को नहीं मंजूर किया। जिस समय जेफ वोस ने यह कंपनी शुरू की थी, उस समय वह दूसरे के गैरेज में मैकेनिकल का काम करते थे। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर हम बात करें तो टाटा कंपनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस आपने टाटा सेल्ट यानी टाटा का नमक तो खाया होगा। टाटा ग्रुप की 85 देशों में 100 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं। ग्रुप का 70% बिजनेस विदेशों से आता है। टाटा समूह एक निजी व्यावसायिक समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो हमारे तीसरे नंबर पे आती है HDFC कंपनी। जी हाँ फ्रेंड्स, HDFC बैंक तो आपने सुना होगा। 26 जनवरी 2000 को भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक तथा टाइम्स समूह बैंक कैलोमैन एड द्वारा संचालित टाइम्स बैंक के विलय का स्वीकरण दे दिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, 26 फरवरी 2000 को HDFC को रिजर्व बैंक ने परमिशन दे दी थी कि वो इंडिया में अपना HDFC बैंक खोल सकें। तो फ्रेंड्स, अगर हम चौथे नंबर पे बात करें तो हमारे चौथे नंबर पे आती है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मुनाफे जमा कंपनी ब्रांच और कस्टमाइज के लिहाज से सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें लोन मुनाफा जमा सब किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पाँचवें नंबर पे कंपनी की बात करें तो हमारे पाँचवें नंबर पे कंपनी का नाम आता है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन ब्रांस और बिन्नी बंसल ने केवल 4 लाख रुपए से की थी। तो फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं ये कंपनी कितने मुनाफे में पहुंच गए। फ्लिपकार्ट ने 2007 से 2015 तक में लोगों को 5 बार बदला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, 2007 से 2015 तक फ्लिपकार्ट ने अपनी जो कंपनी का लोगो है वो 5 बार बदला है। तो फ्रेंड्स, अगर हम 6 नंबर पे बात करें तो 6 नंबर पे कंपनी आती है आदित्य बिरला ग्रुप। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि सीमेंट की बहुत ही बड़ी कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप की अगर हम बात करें तो आदित्य बिरला ग्रुप $3 लाख बिलियन का संगठन है, जो अपने रिजर्व का 60% भारत के बाहर से प्राप्त करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये US का बहुत ही बड़ा बिजनेस है, जो कि भारत के जो और कंट्रीज हैं उनसे 60% मुनाफा प्राप्त करता है। 2007 में भारत के बाहर से भी इसने बिजनेस करना शुरू कर दिया था। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारे ये कुछ कंपनीज के बारे में फैक्ट अच्छे लगे तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक नेक्स्ट।